हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ब्रिजेंद्र और आज मैं आपके साथ शुरू करूंगा हिंदी का लेक्चर टू। और जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि मैं लेक्चर टू में आपको पढ़ाऊंगा संधि। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हिंदी का पार्ट दो, जिसे हम संधि के नाम से पढ़ेंगे। दोस्तों संधि किसे कहते हैं हम जानते हैं, बहुत ही आसान सा शब्द है। इसे अगर हम हिंदी में एक साहित्यिक भाषा में भी है तो कह सकते हैं वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। विकार का मतलब परिवर्तन होता है। यहां पर परिभाषा के दृष्टिकोण से विकार का मतलब परिवर्तन है। वर्णों के मेल से होने वाले विकार को या परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। संधि के प्रकार की चर्चा की जाए तो सबसे पहले होती है स्वर संधि, और नंबर दो है आपकी व्यंजन संधि, और नंबर तीन हम जानते हैं इसे कहते हैं विसर्ग संधि। दोस्तों तीन संधियां हैं और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा स्वर संधि। स्वर संधि क्या है दोस्तों, शॉर्ट में बताएं तो जब कोई स्वर किसी अन्य स्वर से मिलता है तो उनके बीच जो एक परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि दोस्तों पांच प्रकार की होती है। पांच प्रकार होते हैं स्वर संधि के। इसमें सबसे पहला होता है, इसको हम कहते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि कहते हैं, तो दीर्घ संधि को पढ़ते हैं। बाकी आगे संधि आपकी गुण संधि है, यट संधि है, वृद्धि संधि और अयादि संधि। तो दोस्तों मैं आपको पढ़ाता हूं दीर्घ संधि। पहला दीर्घ संधि दोस्तों, इसका संस्कृत में सूत्र होता है अकः समणे दीर्घः। इसकी व्याख्या करना यहाँ पे जरूरी नहीं है, संस्कृत विषय में इसकी व्याख्या करनी अनिवार्य होती है, हालांकि आपको मोटा मोटा बताया। तो अक एक प्रत्याहार है और अक प्रत्याहार के अंतर्गत आ ई उ री ऋ का आता है, का को छोड़ करके, क्योंकि पाणिनी के 14 माहेश्वर सूत्र जो आ ई उ ऋ ऋ क एवं अयोच करके पूरे 14 माहेश्वर सूत्र है, तो पाणिनी के 14 माहेश्वर सूत्रों की सहायता से 42 प्रत्याहार बनाए गए हैं। उन 42 प्रत्याहारों में एक प्रत्याहार आपका अग प्रत्याहार है। तो अग प्रत्याहार का समवर्ण आने पर, समान वर्ण आने पर दोनों वर्ण दीर्घ में बदल जाते हैं। कैसे आइए देखते हैं। दोस्तों होता क्या है कि यहाँ पे आ और आ आएगा और ये हो जाएगा बड़ा आ, और ये किसी भी रूप में हो, छोटा आ बड़ा आ और ये हो जाएगा बड़ा आ, या पहला छोटा हो दूसरा बड़ा हो तभी ये हो जाएगा बड़ा आ, और अगर दोनों बड़ा हो तभी भी ये हो जाएगा बड़ा आ। तो परिभाषा के रूप में ये बताते हैं कि दीर्घ संधि में प्रथम पद के अंत में आ आ इ ई उ उ मुख्यतः इन तीनों में से कोई आएगा, और इसी के बाद भी यही समान वर्ण आएंगे, अर्थात प्रथम पद के अंत में भी यही आएगा, अंत पद के शुरू में भी यही आएगा। तो ये दोनों दीर्घ वर्ण में हो जाएंगे, यानी कि आ है तो बड़ा आ हो जाएगा, ई है तो आपका ये बड़ी ई हो जाएगी, और उ है तो ये बड़ा उ हो जाएगा। यही हमारी दीर्घ संधि है, यानी कि दोनों समान वर्ण मिल करके दीर्घ वर्ण में बदल जाते हैं, इसे हम कहते हैं दीर्घ संधि। एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण यहां पर देख लेते हैं। जैसे आप जानते हैं शब्द धन अर्थ, यहां पर छोटा, यहां पर छोटा बराबर दोनों हो जाएगा शब्दार्थ, दीर्घ हो गया आपका, छोटा आ छोटा बड़ा आ हो गया। वस्त्र धन आलय, आप जानते क्या बन जाएगा, वस्त्रालय, यहां भी बड़ा आ हो गया। विद्या धन अर्थी, आप जानते क्या बन जाएगा, विद्यार्थी, ये बड़ा आ हो गया। देव धन आनंद, देवानंद, परम धन आदेश, परमा देश, तो ये सारे आ और आ मिलके दीर्घ हो रहे हैं। ऐसे हम देखते हैं री ई की मात्रा, गिरी धन ईश, आप जानते क्या हो जाएगा, गिरीश, यानी कि ई और ई मिलके बड़ी ई हो गई। रवि धन इंद्र, क्या हो जाएगा, रविंद्र हो जाएगा, यस, छोटी ई छोटी ई बड़ी ई हो जाएगा, छोटा छोटा बड़ा हो जाएगा। अब उ के कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे हम लिखा भानु धन उदय, क्या हो जाएगा दोस्तों,
भानुदय बड़ा उ हो गया, दोनों छोटा 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 उ मिलके बड़ा उ हो गया। और आप जानते हैं ये लिखा है वधु धन उत्सव, ये भी हो जाएगा बड़ा उ यानी हो जाएगा वधु उत्सव। धातु धन ऊर्जा, क्या हो जाएगा दोस्तों धातु ऊर्जा। तो ये रही आपकी दीर्घ संधि, बहुत आसान है, बड़ा आ हो जाता है, बड़ी ई हो जाती है और बड़ी बड़ा उ हो जाता है जब दोनों समान वर्ण मिलते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी संधि की बात करते हैं, इसे हम कहते हैं गुण संधि। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसका सूत्र होता है आद गुण, ये सूत्र है, इसको आप याद रखिएगा, बाकी इसकी व्याख्या संस्कृत की क्लास में मैं करूंगा। और देखते हैं क्या होता है दोस्तों गुण संधि में, क्या होता है गुण संधि में, क्या होता है कि प्रथम पद के अंत में अ में से कोई एक आएगा, अंत पद के शुरू में इनमें से कोई एक आ जाएगा, ये एक कॉम्बिनेशन बनेगा ऐसे, यानी अ के साथ री में से कोई एक आएगा। जब आएगा तो होगा क्या, इसके साथ करना क्या है, इनमें से कोई एक आ जाए और इनमें से कोई एक आ जाए, तो इनका जो रिजल्ट होगा यानी अ या ई दोनों आपस में मिलकर क्या हो जाएंगे, एक ही मात्रा के रूप में आ जाएंगे। यही चीज क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे जब उ और उ में से कोई एक आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा में ये परिवर्तित हो जाएगा। फिर से अगर हम यहाँ री की बात कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर यहाँ पे री आ जाता है तो क्या करेंगे, इसको हम अर में बदल देंगे, अर ये अर में बदल जाता है। तो ये हमारा नियम है। अब उदाहरण की बात कर लेते हैं, कैसे उदाहरण होंगे, इसका उदाहरण पहले देखते हैं। जैसे लिखा गया कि सुर धन ईश, दोस्तों क्या बन जाएगा, सुरेश, यहां आ है यहां की है, आ ही मिलके एक ही मात्रा में परिवर्तित होता है। आपको लिखा गया यहां पे महा धन इंद्र, दोस्तों क्या हो जाएगा, महेंद्र। राज धन इंद्र हो जाएगा राजेंद्र। तो इस तरह के दिन धन ईश दिनेश, देव धन ईश देवेश, ब्रिज धनेन्द्र ब्रिजेंद्र, सूर्य धनेन्द्र सुरेंद्र, ये सारे उदाहरण आपके इस नियम के और गुण संधि के हैं। अब देखते हैं ओ कैसे बदलता है। दोस्तों आप जानते हैं पर धन उपकार, क्या हो जाएगा, यहां आ मिल रहा है यहां ओ, आ और उ का कॉम्बिनेशन क्या होता है, ओ की मात्रा, क्या बन जाएगा परोपकार। ऐसे सूर्य धन उदय, क्या बन जाएगा सूर्योदय। महाधन उदय महोदय, महाधन उत्सव महोत्सव। हित धन उपदेश, क्या बनेगा दोस्तों, यस हितोपदेश, हित धन उपदेश बराबर हितोपदेश। तो ये सारे उदाहरण गुण संधि के हैं। और दूसरे नियम से तीसरे नियम में देखते हैं अर कैसे होगा। भाई री जब आता है तो वो अर में कैसे बदलेगा हम देखेंगे। आपने देखा होगा देव धन ऋषि, क्या संधि हो जाएगा, ये हो जाएगा देवर्षि। अर यहां पे है रा अर, यानी कि आ दिखता नहीं है, वो इसमें शामिल होता है और रा यहां पे नजर आएगा देवर्षि। ऐसे आप जानते हैं महा धन ऋषि, दोस्तों क्या हो जाएगा, समझ गया होंगे, हो जाएगा आपका ये महर्षि। राज धन ऋषि राजर्षि, ब्रह्म धन ऋषि ब्रह्मर्षि, सप्त धन ऋषि सप्तर्षि, ये सारे उदाहरण आपके हैं गुण संधि के, जो बहुत ही आसान है। दोस्तों ये थी आपकी गुण संधि, चलते हैं अगली संधि की ओर जिसे हम कहते हैं यण संधि। दोस्तों देखते हैं यण संधि में क्या है। यण संधि दोस्तों ये भी बहुत आसान संधि है, इसका जो सूत्र होता है इसको हम इको यणचि के नाम से जानते हैं, इको यणचि। दोस्तों इको यणचि में क्या होगा, इस संधि में शुरू में ई उ और री, इनमें से कोई आएगा और यहां पे आ या अन्य स्वरी यहां पे आपको मिलेगा। ये आपका कह लीजिए फॉर्मूला टाइप का है ये, कि ये आएगा यहां पे। अब होगा क्या, जब ये आ जाएगा तो हम कैसे संधि करेंगे। सबसे पहले तो ये होता है कि ई या ई को हम या में बदल देते हैं, उ या उ को हम वा में बदल देते हैं और री को हम बदल देते हैं
रामिक, लेकिन कुछ कंडीशन ये होती है कि प्रथम पद के अंतिम अक्षर को सबसे पहले आधे अक्षर में बदलेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे जो हमें करना है, इको या उको वा रिको रा। आइए उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे आप लिखा यहां पे अति धन आचार। दोस्तों यहां पे हमने बताया कि संधि करते समय सबसे पहली चीज ये है कि प्रथम पद के अंतिम अक्षर को हम पहले आधे अक्षर में यानी आधे वर्ण में बदल देते हैं, यानी आ लिखा फिर हमने तागू कर दिया आधा, और ये जो ई की मात्रा है यहाँ पे ई को किसे बदलना था, ई को या में, तो हमने इसको कर दिया या में, बाकी आपकी मात्रा लगी क्या बन गया अत्याचार। ऐसे आप जानते हैं अति धन अधिक होती है, क्या हो जाएगा अत्यधिक। दोस्तों सु धन आगत क्या बन जाएगा स्वागत। अब रा कैसे होता है देखिएगा दोस्तों, रा कैसे होता है आप जानते हैं, मातृ धन आज्ञा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों मात्राज्ञा। अब यहां पे त्रा कैसे आ गया, रा तो है ही नहीं, जाहिर सी बात है आपको पूछना चाहिए। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले हम ता प्रथम पद के अंतिम अक्षर को आधा कर दिया, यानी हमने लिखा ता को आधा कर दिया हलंत के साथ ये। अब री को बदलते हैं रा में, और आपको अभी मैंने वर्णमाला में लास्ट वीडियो में बताया था कि आधा ता और रा मिलके क्या बन जाता है दोस्तों, बन जाता है त्रा, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया है त्रा और ये बन गया मात्राज्ञा। तो इस तरह के उदाहरण है दोस्तों बहुत सारे, मैं आपको बता देता हूँ मौखिक। जैसे आपका है अभी धन उदय अभ्युदय, अनु धन एषण अन्वेषण, नी धन ऊन न्यू, पितृ धन आदेश पित्रादेश। ये सभी उदाहरण आपके हैं यण संधि के। दोस्तों यण संधि आपको समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगली संधि आपकी है, इसे हम कहते हैं चौथी, इसको हम कहते हैं वृद्धि संधि। दोस्तों वृद्धि संधि का जो सूत्र है इसको वृद्धि रेचि के नाम से जानते हैं, ये सूत्र है आप केवल इसको ऐसे ही जानते रहिए कि सूत्र है ये। इसमें क्या होगा दोस्तों, देखिए इसमें क्या होता है कि प्रथम पद के अंत में आ में से कोई एक आएगा और अंत पद के शुरू में ए आए ओ और औ, इनमें से कोई एक आएगा। ये मतलब प्रथम पद के अंत में इनमें से कोई एक आएगा, दो में से कोई, और अंत पद के शुरू में इन चारों में से कोई एक आएगा। तो हम करेंगे क्या, आइए देखते हैं दोस्तों हम हमें करना क्या है। संधि करते समय हम क्या कर देते हैं, ए और आए इन दोनों को, यानी कि चाहे ए आए चाहे आए, इन दोनों को हम क्या कर देंगे आए की मात्रा में बदल देंगे, यानी इसको दीर्घ कर देंगे, वृद्धि कर देंगे इसमें, और ओ आए और चाहे औ आए, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे औ की मात्रा में परिवर्तित कर देंगे। बहुत आसान, सबसे आसान है ये, देखते हैं उदाहरण देखते हैं। जैसे आपने लिखा सदा धन एव, क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा सदैव, हमने ऐ में कर दिया। महाधन ऐश्वर्य क्या बन जाएगा दोस्तों, महेश्वर्य, ये हो जाएगा। अब हम जानते हैं वन धन औषधि, वन धन औषधि क्या बन जाएगा वन औषधि। दंत धन ओष्ठ क्या बन जाएगा दंतोष्ठ। ऐसे हम ए को आय में ओ को औ में बदलते हैं, इसे कहते हैं हम वृद्धि संधि। अब दोस्तों चलते हैं पांचवी और अंतिम संधि के लिए, जिसे हम कहते हैं अयादि संधि। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये अयादि संधि, इसका सूत्र जो है बहुत ही बड़ा होता है, इसको हम लिखते हैं एचओ यवा यवा। ये है आपकी अयादि संधि का सूत्र एचओ यवा यवा। दोस्तों देखते हैं है क्या ये, इस संधि में क्या होगा। दोस्तों इस संधि में क्या होता है कि प्रथम पद के अंत में ए आए ओ आओ, इनमें से कोई आता है, पर अंत पद के शुरू में आ या अन्य स्वर आता है। ये इसको आप एक फॉर्मूला समझ सकते हैं कि ये आपको इनमें से कोई एक मिलेगा, इनमें से कोई एक मिलेगा। तो करना क्या होता है, बहुत इजी है,
हम ए को बदल देंगे आए में, आए को बदल देंगे आए में, ओ को बदलना है आओ में, और आओ को बदलना है आओ में। ए आए, आए आए, ओ आओ, आओ आओ। तो ये हमें परिवर्तन करना होगा। कैसे करेंगे आइए उदाहरण से देखते हैं। जैसे हमने यहां पे एग्जांपल दिया, ने धन अन, दोस्तों ए आ रहा है, जानते क्या हम जाएगा, ये नयन आय हो गया। गए धन अक, क्या बन जाएगा दोस्तों, गायक। नए धन अक क्या बन जाएगा, नायक। को धन अन क्या बनेगा भाई, पवन। भाव धन अन बराबर हो जाएगा भावन। आव में आव आता है, भाव भावन। कुछ अन्य स्वर के उदाहरण देख लेते हैं, अन्य स्वर कैसे आते हैं। जैसे हमने दिया हमने नौ धन इक, बराबर हो जाएगा नाव को बदल देंगे नाव में, और ये इक इसमें जुड़ जाएगा, हो जाएगा नाविक। नौ धन इक बराबर नाविक। ओ धन इत्र, को बदलते हैं पव में, यानी को हो गया पव और इत्र है तो इत्र रहेगा, यानी हो गया क्या दोस्तों, पवित्र। तो ये महत्वपूर्ण संधि है दोस्तों, ए को आए, आए को आए, ओ को आओ, ओ को आओ में बदलते हैं। ये सारे उदाहरण महत्वपूर्ण है जो किसी ना किसी परीक्षा में जरूर पूछे हैं दोस्तों। ये थी पांच संधियां, आपने बहुत ही आसानी से इनको समझा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी तरह से सारी संधियां आ गई होंगी। अगर किसी को डाउट है किसी संधि में तो आप कमेंट करके आप उसमें से पूछ लेंगे और मैं पुनः इस चीज को क्लियर कर दूंगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके, और वीडियो को देखिए और अपनी हिंदी को मजबूत करिए। अगला लेसन हमारा शुरू होगा जिसे हम व्यंजन संधि के रूप में शुरू करेंगे। ये स्वर संधि थी, व्यंजन संधि शुरू होगी दोस्तों। तब तक आप एंजॉय करिए, पढ़ाई करिए और अपनी हिंदी को मजबूत करिए। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। मेरे वीडियो को देखिए, मजा आए, पसंद आए, आपको जानकारी आपकी बढ़े, आपकी नॉलेज बढ़े, तो मेरी वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।